वीडियो देखता हूँ अच्छे मन। ओ तुम लोग आ गए, गेमिंग और आज हम वापस से देख रहे स्टोरी टाइम की वीडियो। गज इसकी नवी वीडियो स्केलेटन वाली, पर ये बहुत बोर हो गई है। अभी हम लोग देखें कि क्या देखेंगे। फिर रॉन्ग क्यों आ रहा है, तो कोई बार देखते हैं स्टोरी टाइम। अरे तो आई नहीं रहा, एक ही रुक जा भाई, रुक जा। मेरे को पता तेरी हर एक खानी होती है। एंडरमैन की बहुत डेंजर है। एंडरमैन कोई साधारण मॉब नहीं है, क्योंकि ये एक लौता है जो कि माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर सकता है। ये एक चाबी है एंडर ड्रैगन तक पहुंचने की। पर जितना डरावना ये मॉब दिखता है, उतना ही डरावना इसका ओरिजिन भी है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। एक काला साया पूरे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में घूमता है। वो अचानक ये तो अपन ने हम लोग ने देखी है ना गाइस, हीरो ब्रांड की भी देखी है क्या? कमेंट में लिखो। गोलम देखी है, इम्पोस्टर नहीं देखी है, देख ली। आज से कई सालों बाद की इंसान इस यूनिवर्स की कुछ अनसॉल्व मिस्ट्री सुलझाने पे लगा था और कुछ नई नई चीजें बनाने पे, और स्पेस के किन्हीं प्लैनेट्स पे कुछ रिसर्च कर रहा था। और मीरा एचक्यू जो कि उस वक्त की स्पेस की सबसे बड़ी एजेंसी में से एक थी, और वो एक प्लैनेट पोलस पर किसी वायरस की कुछ रिसर्च कर रही थी। और बहुत दिनों की रिसर्च के बाद उन्हें कुछ तो मिल ही गया था, पर उन्हें क्या पता था कि वो चीज उनकी पूरी लाइफ तबाह कर देगी। उन्हें वहां मिला तो क्या, एक वायरस जो कि एक लिक्विड टाइप सा कुछ था, और जिसका ना कोई कलर था और ना ही कुछ और। पर थोड़ी दिनों की और सर्च के बाद उन्हें पता लगा कि वो कोई ऐसा वैसा वायरस नहीं था। वो अपनी बॉडी को किसी भी शेप ऐसे में ट्रांसफॉर्म कर सकता था, और इसीलिए उन्होंने उसे नाम दिया IMP, जिसका मतलब था कि इमॉर्टल मास्टरपीस। और कुछ दिन और सर्च करने पर उन्हें उस वायरस की सबसे खास बात पता लगी। उन्हें पता चला कि वो कोई एक मामूली वायरस नहीं था, क्योंकि वो इस यूनिवर्स की सबसे खतरनाक चीजों में से एक था। वो एक इमॉर्टल वायरस था जो कि कभी नहीं मर सकता था। उसे बस दो ही तरीकों से मारा जा सकता था, या तो स्पेस में फेंककर या तो उबलते लावा में फेंककर। उन्होंने उसे एक खास कंटेनर में छिपा रखा था, क्योंकि अगर वो उसे खुला छोड़ते तो वो स्पेसशिप में तबाही मचा लेता। और एक रात मीचक्यू में SMI बोले तो स्पेस मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन के कुछ लोग आ गए, और वो उस वायरस को अपनी एक रिसर्च बनाना चाहते थे, और मीरा HQ से भी आगे निकलना चाहते थे। और फिर SMI के लोग उस वायरस को अपनी स्पेसशिप में ले आते हैं, और वो उसे एक खास जगह रख लेते हैं, और फिर सारे अपने टास्क में बिजी हो जाते हैं। पर उनमें से एक क्रूमेट आता है और उस वायरस को खोल देता है, और फिर वो वायरस उस क्रूमेट को अपना शिकार बना देता है और उसकी बॉडी को अपना होस्ट। पर एक क्रूमेट उसे देख लेता है और वो इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है, और वो डरते हुए बाकी क्रूमेट्स को भी सारी बातें बता देता है। और वो कहता है किसी चीज ने हमारे एक क्रूमेट को मार दिया और उसकी बॉडी के अंदर घुस गया। और बाकी सारे क्रूमेट्स चौंक जाते हैं, और उनमें से एक क्रूमेट बोलता है क्या तुमने उसकी ड्रेस का कलर नहीं देखा? वो कहता है नहीं, बहुत रात हो चुकी थी और इसलिए मैं उसे नहीं देख पाया। और वो अर्थ पर पहुंचने वाले थे कि उस चीज को अर्थ से पहले स्पेसशिप से फेंक लेना है। और फिर से सारे क्रूमेट्स अपने टास्क में बिजी हो गए, कभी लाइट्स खराब हो जाती तो कभी कुछ और। और वो वायरस बारी बारी कर सब क्रूमेट्स को मारने लगा, और लास्ट में अब सिर्फ 5 क्रूमेट्स बचे थे, और उनमें से एक बॉडी के अंदर वो वायरस था। और अब सारे क्रूमेट्स एक दूसरे से डरने लगे, और थोड़ी देर के बाद उस वायरस ने और 2 क्रूमेट्स को मार दिया, और अब सिर्फ 3 ही क्रूमेट्स बचे थे। उनमें से एक था रेड और ब्लू और येलो। समय के लोग अर्थ पर पहुंचने वाले होते हैं, और उनके साथ मीरा HQ भी। और फिर रेड अपना एक टास्क कर रहा होता है, और उसके पीछे येलो आता है और उसे वहीं मार देता है। पर मीरा HQ का एक क्रूमेट उसे देख लेता है, और वो जल्दी से SMI की स्पेसशिप पे चले जाता है, और वो एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है, और इसीलिए येलो और ब्लू वहां पर आ जाते हैं। मीरा HQ वाला क्रूमेट बोलता है कि वो वायरस और किसी की बॉडी के अंदर नहीं है,
वो येलो की बॉडी के अंदर है और इसीलिए हमें येलो को स्पेसशिप से बाहर फेंक लेना चाहिए। पर ब्लू उसकी बात नहीं सुन रहा था और वो बोलता है कि वो तुम ही वायरस हो, तुम्हारी बॉडी के अंदर ही वो वायरस है और वो तुम ही हो, इसीलिए येलो और ब्लू आते हैं और मिराज क्यू के क्रूमेट को स्पेस में फेंक लेते। पहले वो उसका स्पेस सूट उतारते हैं और वो उसे स्पेस में फेंक लेते हैं और वो मिराज क्यू वाला क्रूमेट वहीं मर जाता है। और अब स्पेसशिप के अंदर बचे थे सिर्फ ब्लू और येलो ब्लू को बोलता है तुमने बहुत बड़ी गलती कर। वो अपना एक बड़ा सा मुंह खोलता है और ब्लू को अरे यार ये तो रेड है, ये कुछ भी बोल, वहीं खत्म कर लेता है। तो गाइस अगर आपको भी ऐसी स्टोरी चाहिए और इसका पार्ट 2 चाहिए तो घंटा दबाओ, आई मीन टू से सब्सक्राइब कर लो और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।